पीएम मोदी बिहार और बंगाल के बाद अब से कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहां बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वो रोड शो करेंगे। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनका जो रोड शो होगा वो भव्य ही होगा, समर्थकों का हुजूम जमा होगा। वहां पर क्या हालात हैं वो बताएंगे मेरे सहयोगी रविकांत। रविकांत सीधे जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो चलिए अब आपको रविकांत के पास लिए चलते, इस खबर को विस्तार देंगे वो। रविकांत, क्या हवा है जबलपुर की? देखिए, जहां पर आज रोड शो है, करीब 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, लेकिन इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई है। 32 मंच बीच में लगे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो ये महाकौशल इलाका है जिसमें ये रोड शो 31 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। ये 31 विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महाकौशल है इसमें पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इसलिए भी महाकौशल इलाका जिसमें 4 लोकसभा सीटें आती हैं वो चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए, खासतौर से क्योंकि इसी महाकौशल इलाके में वो छिंदवाड़ा भी आता है जो कि इस समय मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। आज़ादी से लेकर के अब तक सिर्फ एक बार 1996 में बीजेपी उस सीट को जीत पाई है। वो उसके बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने वो सीट उपचुनाव में जीती थी, लेकिन तब से अब तक छिंदवाड़ा में 11 बार कमलनाथ का परिवार काबिज रह चुका है। 9 बार कमलनाथ रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी, इस बार पिछली बार नकुलनाथ। तो ये समझिए कि यहाँ पर 13 विधानसभा कांग्रेस के पास, 16 विधानसभाएं कांग्रेस के पास हैं, इसलिए भी चुनौती है। और छिंदवाड़ा इसी इलाके में आता है इसलिए भी ये रोड शो महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका है ये आदिवासी इलाका है जो कि कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। यहाँ पर जो मांडला सीट है वो मांडला सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। उसके अलावा जो जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, तो एक बड़े क्षेत्र पर ये रोड शो प्रभाव डालने वाला है। ठीक है रविकांत, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीं रहिए, रोड शो का क्या अपडेट है आप हमें देते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, अब मैं आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर बताने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन में चल रही तकरार के बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है कि पीएम मोदी ने बिहार के नवादा में वो जो बड़ा बयान दिया, तो ये बयान हम आपको वो भी सुनवा देते हैं कि विपक्ष के एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि जब तक पीएम का उम्मीदवार तय नहीं होगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जरा पूछताछ की, पर कभी मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं, और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं, और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।